हाँ जी, आज हम ना चैप्टर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फार्मूला चैप्टर का नाम है, बलोचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है, क्लास 9 था कि हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है, लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके आज रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4x² - 12xy + 9y² / 8x² - 18y². अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाले को कंप्लीट करते हैं, यानी 2x² ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी। अब यहाँ पे देखें, 2 का करूंगी तो 4x² आ जाएगा, 2 2 = 4 4 3 = 12xy आ गया और ये 9 आ गया। अब नीचे देखें कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 8 है, और ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 18 है। मैंने क्या करना है, 2 कॉमन लिया है, अंदर 4x² और 9y² आ गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर फार्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्लोज होता है a - b² होल स्क्वायर। ए की जगह पर 2x है और बी की जगह पर 3y है, 2x - 3y² / 2, और ये आ गया 2x² - 3y², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे a² - b² है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो इसको हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस, यानी ये वाली एक टर्म इसके साथ खत्म हो गई, तो अंदर 2x - 3y रह गया और नीचे 2 × 2x + 3y रह गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये मिक्स ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, m + n² - n² 4n² / m² - n², जहां पर आपके पास दो नंबर आएंगे ना जिसका आप दरमियान में माइनस है, तो वो फार्मूला बनेगा, वो a² - b² का फार्मूला बनेगा, ठीक है। देखें, ये m + n² है, 4n यानी कि 2n² m² - 3n² तो यहाँ पे देखें, ये पूरा a है, ये b है, यानी a² - b² इसको मैंने एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिखा है, सेम नीचे भी m + 3n और m - 3n। तो ये हो गया m + 3n और ये m - n, और नीचे m + 3n और ये हो गया m - 3n। अब ये और ये सारा कट गया, तो ये आ गया m - n m - 3n, ठीक है। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। इसको बस आपने केयरफुली सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें क्या है, x³ + 8 है (x²-9). अब देखें, इससे तो आपको ये पता चल रहा है कि इसका भी स्क्वायर होता है, और 3 9 जो है उसका स्क्वायर आपके पास 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये a² - b² का हो गया, ठीक है। यहाँ पर a² + b², लेकिन यहाँ पे देखें, अगर मैं a² करती हूँ, ये मैं बी स्क्वायर करती हूँ, माइनस 2, ये a और b, तो यहाँ पर ये 4x आता है, लेकिन मेरे पास 2x है, मतलब कि ये वाला फार्मूला नहीं है। और ये वाला आप इसको खोलें या ना खोलें, फिलहाल अभी हम ऊपर वालों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखें x³ + 8 है, तो यहाँ पर ये x³ का फार्मूला है, यानी कि a³ + b³ का। ये आ गया x² - 3 का स्क्वायर और नीचे आ गया x² - 2x + 4x + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है a³ + b³, जो कि इक्वल है a + b (a²) - ab + b² x + 2 × x² + है तो माइनस x, यानी ab, यानी x और 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और इधर ये आ जाएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। हाँ जी, x² - 2x + 4 और x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये और ये 8 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया x + 2 और ये आ गया आपके पास x² - 2x + 4 और ये x - 3 / x²-2x + 4 × x + 3। अब ये और ये भी सारा कट गया,
तो ये आपके पास क्या रह गया, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा और फॉलो और शेयर करना ना भूलिएगा।